सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। तमाशा कोई और नहीं बल्कि हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें कुचल कर निकल जाए। आज का पंचांग 14 नवंबर 2021 दिन रविवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 6:39 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र शाम 4:31 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 5:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर सुबह 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 14 नवंबर 2021 दिन रविवार, आज दुविधा और उलझन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यह सब जैसे ही स्थिति साफ होगी आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूर होंगे लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। आज दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लें। आपके आय के साधनों में सुधार आएगा, आर्थिक गतिविधियों में मजबूती आएगी। किसी भी योजना को बनाने से पहले जल्दबाजी ना करके उस पर पूरी तरह विचार विमर्श अवश्य कर लें। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने अंदर के विश्वास को जगाकर वर्तमान के साथ जुड़े रहकर काम करने की आवश्यकता है। जो काम आपने उनके बारे में अधिक सोच विचार करने से परिस्थिति बिगड़ सकती है। करियर संबंधित गलत निर्णय लेने की वजह से मानसिक तकलीफ हो सकती है। किसी भी व्यक्ति से उलझने से पहले उस व्यक्ति की भावनाएं समझने की कोशिश करनी होगी। सेहत ठीक रहेगी। सावधानियां, भौक्ता में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वैध के खर्चों में भी अधिकता रहेगी। कभी कभी आपका अधिकार पूर्ण व्यवहार दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है, इसीलिए अपने व्यवहार में कुछ लचीलापन बनाकर रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप किसी भी प्रकार की असमंजस्य की स्थिति में जीवन साथी की सलाह आपके आत्मबल को बनाकर रखेगी तथा आपसे संबंध भी मजबूत रहेंगे। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो यह आपके प्रेम संबंध को नीचे की तरफ ढकेल सकता है। इसके अलग अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दे तो यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। बात करते हैं करियर की। यात्रा और यात्रा के व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये अच्छा समय है और आप इससे अच्छा धन कमा सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयासरत रहें और जिससे आप जल्द ही कुछ लाभ पा सकते हैं। आप संपत्ति या कीमती धातुओं में भी निवेश कर सकते हैं। आप किसी नए काम को शुरू करने की योजना भी बना सकते तो आज उचित समय है। यह काम आपको धीरे ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा। किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की मदद भी आपके लिए सहायक रहेगी। बात करते हैं सेहत की। नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। आपका रूटीन काम खत्म करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है।
अगर आप अब सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। लेकिन केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाए। आज का उपाय, आज अब भगवान विष्णु जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।